कराएं। 12th के बायोलॉजी पेपर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा चुके हैं और शायद इस बार भी पूछेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी मोस्ट VBI क्वेश्चन है, आप जिस तरह से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो क्या है कि बायोलॉजी सेट वन, तो आज दोस्तों सेट वन है, इसी तरह के जो है बहुत सारे सेट आने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम लगभग 7 से 8 सेट को पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या है कि इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बायोफ्राइटस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ चुकी दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या है कि हेमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सबसे भिन्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क नंबर ये हो जाएगा, संकलन प्रभावी डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है कि मिनी माटा बीमारी किसके कारण होता है। तो मिनी माटा बीमारी किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर, यानी मरकरा के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुकी है स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग, इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर, यानी होलस्टेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पाँच नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे होंगे आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और आप जानते हैं इसका जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो क्या है, द्वि खंडन किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी घ नंबर, राइट आंसर अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन आ चुकी है, क्या है कि XXXO टाइप में लिंग निर्धारण में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छः नंबर का, क नंबर, यानी मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडा देती है, यानी अंडे देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सात नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, पूरी तरह से स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, क्या है कि द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सात नंबर का, ग नंबर, पेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आठ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, पूरी तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग, क्या है ताइचुंग वन किसकी किस्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी आठ नंबर का, ख नंबर, यानी धान की किस्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नौ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, क्या है कि गैमिटस के युग्मन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी नौ नंबर का, ख नंबर, यानी सिनगैमी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दस नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, इनमें से कौन जीनोटाइप चार अलग प्रकार के गैमिटस बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दस नंबर का, ग नंबर, राइट आंसर हो जाएगा, यानी AABBCC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, पूरी तरह से देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है कि इथिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 11 नंबर का, ख नंबर, यानी टेंसिले ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है कि लैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को ऊतक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 12 नंबर का, क नंबर, यानी सूक्ष्म प्रजनन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, टिक मार देता हूँ मैं, देख लेते, क्या है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप भी दे सकते हैं। तो 13 नंबर का क्या हो जाएगा, ख नंबर, यानी जलकुंभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे, क्या है कि हेलोड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का, ख नंबर, यानी वाई क्रोमोसोम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे, अम्ल वर्षा का कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 15 नंबर का, क नंबर, यानी SO2, SO3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे, कृत्रिम वीर्य स्पेन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, किसमें नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का, ग नंबर, यानी मछली में नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, क्या है, तो पूरी तरीके से देख रहा है हम लोग, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का, क नंबर, यानी स्पोरोज वाइटस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, पूरी तरह से देख पा रहे होंगे, डायबिटीज का कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 18 नंबर का, घ नंबर, यानी हार्मोन की कमी से डायबिटीज हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो पूरी तरीके से आ चुकी है, क्या है कि डेयरी फॉर्म
में उपलब्ध होता है। तो क्या उपलब्ध होता है? इसका राइट आंसर घ नंबर, यानी इनमें से सभी उपलब्ध होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? टी सेल्स उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का ख नंबर, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं, आ चुकी पूरी तरह से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग। क्या डायबिटीज रोगों के मूत्र में रहता है? क्या रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर का घ नंबर, यानी संकरा रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 22 नंबर का क नंबर, यानी गैलापागो द्वीप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आ चुके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग। क्या लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 23 नंबर का ग नंबर, 2000 मिलियन वर्ष पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आ चुके पूर्व 24 नंबर क्वेश्चन, क्या कि मानव का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर का ख नंबर, यानी अफ्रीका में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग। जीवन पहले विद्यमान जीवन से ही निकलकर आता है सिद्धांत को प्रदर्शित किया था, तो किसने प्रदर्शित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 25 नंबर का ग नंबर, लुई पाश्चर ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे। क्या है कि डिम्बवाहिनी नली का, उसको उसका अलग नाम है फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनती है? तो क्या बनती है? इसका राइट आंसर 26 नंबर का ख नंबर, यानी स्त्री सहायक नलिका बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आ चुके 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग। क्या है शीशन का अंतिम विगृत भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर 27 नंबर का क नंबर, यानी अग्रच्छेद कहते हैं। तो अब अंतिम क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरीके से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, 27 नंबर, अब 28 नंबर है। WHO का पूर्ण रूप होता है, तो काफ़ी ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी बता सकते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो इसका राइट आंसर जो है क ख ग ग दिया हुआ है, आप अपने से स्क्रीन कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर अगला सेल, ये क्वेश्चन पेपर जो है ये बिहार बोर्ड की तरफ से आई हुई है, जो बार बार इस क्वेश्चन को टच करते हैं और बिहार बोर्ड ने इसको जारी किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस तरह के हम वीडियो बार बार लेकर आते रहते हैं और आप इस तरह के वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो स्क्रीन पर एक नंबर आई हुई है, इससे कौन सा भाग अगुणित है? तो क्या है एक नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ये नंबर, यानी डिम्ब का भाग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्या है कि एक एलील है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी जीनों के वैकल्पिक प्रकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग। तो क्या है आपस में जड़ें आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी आहार जाल कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग। कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनाने वाले सहजीवी पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का बी नंबर, यानी माइक्रोराइजा कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से। क्या है जेम्यूल्स पाए जाते हैं? तो जेम्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी स्पंज में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे पूरी तरीके से आ चुके हैं और आप लोग देख पा रहे होंगे। तो क्या है, एक मनुष्य एक लड़की जो हेमोफेलिया की कैरियर है से शादी करता है तब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी नंबर राइट आंसर, यानी 50% पुत्र हेमोफेलिया से ग्रसित होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग। तो क्या है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 7 नंबर का बी नंबर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से। क्या है 8वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी साइनोवैक्टेरिया होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आ चुकी है पूरी तरीके से। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगोमी पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का सी नंबर, यानी कॉमेलिना में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, डीएनए का वह भाग जो
स्थान बदलता रहता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का बी नंबर, यानी ट्रांसपोजोन्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 11 नंबर का डी नंबर, यानी उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आ चुके 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे पूरी तरीके से, तो क्या है, लीची का खाने वाला भाग है, तो लीची का कौन सा खाने वाला भाग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर का, यानी 13 नंबर का सी नंबर, यानी एरिल को खाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से स्क्रीन पे देख पा रहेंगे, तो क्या है कि 64 कोडन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का सी नंबर, यानी 61 कोड होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, तो क्या परिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रभाव एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का सी नंबर, यानी रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आ चुके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना ताकि अगला वीडियो जल्द से जल्द आए। तो क्या है, बैक्टीरिया की खोज किसने की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को जानना बहुत ही आवश्यक भी है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी नंबर, यानी